ऑल राइट, सो हम डेली बेसिस पे बहुत वाइड वैरायटी, वाइड रेंज ऑफ इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, भले वो फ्रस्ट्रेशन हो, सैडनेस हो, एंग्जाइटी हो, जॉय हो, हैप्पीनेस हो, रोना धोना हो, बहुत सारे इमोशंस हम डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं। पर वो इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाना और मैनेज कर पाना, उस चीज को हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। वेरी वेरी सिंपल, अपने खुद के इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाना, मैनेज कर पाना खुद के इमोशंस को, सामने वाले के इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाना और सामने वाले के इमोशंस को मैनेज कर पाना, दैट इज इट। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है, दैट इज इट, राइट। आईक्यू की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, देयर इज नो सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन ऑफ आईक्यू, राइट। और हम बहुत ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस भी देते हैं आईक्यू को। ईक्यू इज वेरी सिंपल, इजी टू मास्टर, वेरी वेल डिफाइंड, वेरी लेंथ और ब्रेथ उसकी बहुत कम है फॉर यू टू नेविगेट एंड मास्टर इट, और योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन ईक्यू। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, फिर भी लोग ईक्यू पे बहुत कम काम करते हैं। इसके लिए हमारे देश में, हमारी दुनिया में नंबर ऑफ बॉस, नंबर ऑफ मैनेजर्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ लीडर्स बहुत कम है। आप अगर अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपना पर्सनल एक्सीलेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो यू शुड वर्क ऑन योर इमोशनल इंटेलिजेंस, पीरियड।